कैसे जा रही है इधर नहीं? बहुत ही सही, और हमें ये ट्रिप में मिले हैं पीयूष भाई, आकाश भाई। हे हाय, हेलो, हियर वी आर फ्रॉम याटिगोस, गोइंग टू टुगनाथ। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। ऑसम, यो दिस पीपल आर कमिंग फ्रॉम नमस्कारम, नमस्ते। सोलो ट्रिप का ये फायदा है, अजनबी लोगों से हम बात कर सकते हैं खुले दिल से, जो हम आम जिंदगी में नहीं कर पाते। आई एम रियली हैप्पी। सीख बताइए आप। मेरे लाइफ की सीख सिर्फ यही है कि एडवेंचर को आप जितना डिफाइन करेंगे वो उतना ही आपके लिए रीडिफाइन होगा। वो उस दिन ही एक नई चीज लेके आएगा, समझ रहे हैं? आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आए होंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप सेकंड टाइम भी आएंगे आपको कुछ नया मिलेगा। तो एक एडवेंचर हमेशा एक नई चीज हमको देता है, नया मोमेंट देता है। पीयूष, लोकेश, मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप है। हाँ जी, एडवेंचर में ना काफी दिक्कतें आती है। मान लो आपको होटल मिल गया, सड़ा हुआ मिला है, या फिर पानी की दिक्कत आ रही है, वो एक एडवेंचर में है। उसमें आप ये ना कहिए कि यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, इसी को एडवेंचर कहते हैं। उसको आपको कैसे झेलना है, कंप्लेन नहीं करना है। करेक्ट भाई, आप कहाँ से? दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस। यहाँ से कोई आगे नहीं जाने की हिम्मत कर रहा है, क्यों भाई? नहीं हो रहा, नहीं जा रहा। कई लोग बचे हैं उधर, मैं अकेला हूँ, डरते डरते हाथ खाया हूँ भैया। बिल्कुल, हर सफर एक रास्ता चाहता है, हर मुसाफिर एक हम सफर चाहता है। और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू नहीं। आप कैसे आए हैं ऊपर? नीचे से, लट्ठी से आप आए हैं? ये कितना हाइट पे है? 7000 हाइट पे। अंकल, आपकी एज क्या होगी? 72 साल के हैं।